नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव और आप सभी ने सोच क्या है वन टू नो चैनल। तो दोस्तों, क्या आप लोग अभी ट्वेल्थ कर रहे हो या फिर आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग अब कॉलेज में आ चुके हो, आप लोग बड़े हो चुके हो, लेकिन क्या आपके पास कोई प्लान है अपने फ्यूचर को लेकर? क्या आपने सोचा है कि अब आप अपने लाइफ में आगे करोगे क्या? भाई टेंशन वाली बात हो गई है। तो क्रिस, क्या होता है कि अक्सर जब हम लोग 11th क्लास में होते हैं तो हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट को ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं। जिन लोगों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो बच्चे ऐसे ही मजे में कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठा के चूज़ कर लेते हैं सब्जेक्ट को और उन सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। अब ये नहीं सोचते कि वो 12th के बाद करेंगे क्या, उनके पास कोई प्लान नहीं होता। और जिन बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, मतलब कि लिटरेट होते हैं, तो उनके माँ बाप तो उनको पूरी प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि यार तू इस सब्जेक्ट को ले, इसके बाद तेरे पास ये प्लान होगा, उसके बाद अपना फ्यूचर को इस तरीके से सिक्योर कर सकता है। अब जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उन बच्चों के लिए आज मैं एक टिप दूंगा जो शायद तक आपके फ्यूचर को ब्राइट बना सके, आपके फ्यूचर में आपको आगे लेके जा सके। वो क्यों इसलिए कह रहा हूँ मैं, शायद क्योंकि यार मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, क्योंकि और ना ही मैंने कुछ इतना बड़ा हासिल करा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको शायद तक बात पे गौर करना चाहिए, तो यार वो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो गाइस, फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो के इंट्रो की तरफ। होता है कि जब हम लोग 11th क्लास के अंदर आते हैं ना, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट्स ऐसे ही चूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने साइंस ले लिया जस्ट बिकॉज हमारे 10th के अंदर अच्छे नंबर आए थे और सब लोगों ने बोला कि ले लो यार, साइंस अच्छा सब्जेक्ट है, आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि आगे जाके हमारे को इसमें इतना ज़्यादा खर्चा बैठ जाएगा या फिर हम लोगों को इतनी ज़्यादा ये कोचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप ये सोचते हो कि आगे जाके आपके पास पैसे होंगे या फिर नहीं होंगे। और गाइस, कुछ लोग कॉमर्स ले लेते हैं क्योंकि उनको यार लगता है कि साइंस हार्ड है, तो चलो और आर्ट्स को ले लेंगे तो हमको शर्म आ जाएगी, तो हमने चलो कॉमर्स ले लिया। और मेरे फ्रेंड ने भी लिया तो इसलिए भी ले लिया मैंने। या फिर आप लोग ले लेते हो आर्ट्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ये सब चीज़ें तो मैटर करती नहीं हो, समय तो देखते नहीं हो, लेकिन जब आप 12th कर लेते हो ना, जब आपके पास आता है ऑप्शन अपने करियर को चूज करने का, मतलब कि अब आपको करियर चूज करना है, अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है कि आपको करना क्या है। तो गाइस यार, क्या होता है कि जब हम अपने करियर की बात करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपको जॉब करनी है, राइट, आपको अर्निंग करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब यार चूज़ क्या करें? तो गाइस यार, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि यार अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप यार किसी अच्छे इंसान के पास जाओ, उससे प्रॉपर गाइडेंस लो कि मेरे पास सर ये सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर मुझे अब क्या क्या करना चाहिए। ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हो या फिर किसी ऐसे मेंटर से पूछ सकते हो जिनको आप अपना आइडल मानते हो, उससे आगे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर वो जो इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में और उसी फील्ड के अंदर, तो उससे जाके आप प्रॉपर नॉलेज ले लो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। अगर आपके पास ये सब नहीं बचता है, आपको लगता है कि आपके पास पैसे भी नहीं है ज़्यादा पढ़ाई के भी, तो यार सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा तो ये मानना है कि आप जा सकते हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर। गाइस क्या होता है, जब हम लोग 12th में होते हैं ना, तो हम लोगों को यार आदत होती है सब कुछ पढ़ाई करने की, मतलब हमारे एनुअल टर्म्स होते हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं ना, उससे क्या हमारी प्रॉपर लर्निंग की और स्टडी की हैबिट होती है। तो गाइस यही चीज़ आपके काम आती है जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो। तो क्या होता है कि आपको एक पेपर पास करना होता है जिसकी फीस मैक्सिमम यार मेरे हिसाब से तो 100 के आसपास होती है। अगर SSC में ट्राई करते हो तो 100 का एक फॉर्म आता है, उसको फिल करो, फिर उसके बाद अपने पेपर देते जाओ, फिर आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास यार पैसों की थोड़ी कमी है और जिनको लगता है कि वो आगे यार इस फील्ड में नहीं जा पाएंगे, उनको लगता है कि हमसे ये सब चीज़ें नहीं होगी। और बाकी का ये भी है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप उसके बेसिस पे आप आजकल यूट्यूब स्टार बन सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे भी कुछ छा सकते हो या फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म में जाकर अपना परफॉर्म करके पैसा कमा सकते हो और बहुत बड़े लेवल पे बन सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना, तो मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती है वहाँ पे, आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाख से बेटर है कि आप 1000 रुपये तक का फॉर्म लेके उसको फिल कर दो और आपकी पढ़ाई की तो हैबिट होती है, तो आप आराम से पढ़ाई करके क्लियर कर सकते हो। गाइस अपने आप पे विश्वास रखो, बस थोड़ी सी चीज़ की ज़रूरत है। तो यही मेरी थी आपको अभी के लिए। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी आपको ये मेरी टिप। ऑफकोर्स ये प्रोफेशनल टिप तो नहीं है, बट जैसी भी है मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया, आप अच्छा लगना आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यार गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ उस बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर दो। वहीं मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय।